तो अभी फिलहाल हूँ मैं मेरे मामा के गांव। एक है कौशिक भाई और एक है रुद्र भाई। क्या नाम है तुम्हारा? फूल गुलाब फूल फूल से होता है, गुलाब से नहीं मोहब्बत एक से होती है। अब हजारों से नहीं, आज तीन जन की जोड़ी है जो भी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं मेरे मामा के गांव, जो कि है बाबरकोट करके एक गांव जो जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बेसिकली सौराष्ट्र के अंदर है। तो अभी पूरी हमारी जो सौराष्ट्र वाली ट्रिप वगैरह है वो चालू है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने जो मेरी जूनागढ़ वाली ट्रिप थी वो जस्ट ख़त्म करके अभी मैं मेरे मामा के गाँव आया था। अभी तो ये मैं जहाँ पे हूँ ये मेरे मामा का घर है। तो देख रहे हो छोटा सा ऐसा आपको घर मिल जाएगा प्यारा सा। एक बार दिखाता हूँ पहले तो आपको घर वगैरह कैसा है। तो ये एक यहाँ पे घर है और रोड के दूसरे साइड दो और घर वगैरह है जहाँ पे दो मामा और रहते हैं फैमिली वगैरह। और पीछे की ओर आपको बड़ा सा एक मंदिर मिल जाएगा जो कि दशा माँ का मंदिर है। तो जैसे आप सुबह में उठोगे तो मस्त वाले आपको दर्शन वगैरह हो जाएंगे। यहाँ से नज़दीक में आपको समंदर मिल जाएगा जो कि बस कुछ कदम की दूरी पे ही है। तो यहाँ से जैसे हम बाहर निकलेंगे तो बस एक छोटा सा रोड वगैरह क्रॉस करके सीधे हम पहुँचेंगे समंदर के किनारे। बच्चा पार्टी और जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो एक है कौशिक भाई और एक है रुद्र भाई। कौन नाम है तुम्हारा? रुद्र भाई। आखो नाम बोलो आमा कैमरा मालो। कोटड़िया रुद्र रामजी भाई। कोटड़िया रुद्र रामजी भाई। तेरे पापा नो नाम रामजी भाई। हां एम हमारा वीडियो उतारो ले। ए ए आ कूद भी ना अच्छा भाई का टाटा पे टाटा पे दे टाटा। हेलो रे शाम के शान टाइम आओ बस बस मुकी जब आउट 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 मुकी दो हेलो भाई। हाँ तू रम रम आले जाल ये पकड़े गयो पकड़े गयो पकड़े गयो। छोटा मोटा आपको घर वगैरह दिखा दिया। तो यहाँ से अभी समंदर किनारे जाते हैं और बाकी का क्या कुछ सीन वगैरह वहाँ पर वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार में। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा कुछ बाजार वगैरह है, कुछ रोड्स वगैरह यहाँ पे। और ये पीछे की ओर आपको ये जो घर है वो भी दो हमारे मामा जी के ही घर है। एक कुछ छोटा सा प्यारा सा गांव वगैरह है। तो ये छोटी सी जगह है जहाँ पे रात को सब बैठते हैं और आग वगैरह जला के और बस एंजॉयमेंट करते सब बैठ के। तो ये कुछ ऐसी जगह वगैरह है। देखो यहाँ से अभी बेस्ट वाला व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का मस्त वाला। देखो है ना शानदार नज़ारा। और पीछे की ओर आप अगर देखोगे तो यहाँ से आपको समंदर दिख जाएगा। ना 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 ना।
डरिए जाओ डरिए पची पाचे राउंड मारसू एक तो पची एक तो राउंड मारसू तो यहाँ पे जो गाड़ी लेके गए वो भी मेरे भाई है तो रिश्तेदार है मतलब तो कमनी का रास्ता है जो कि यहाँ पे बाबरकोट में अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी है एलएनटी भी है यहाँ पे तो जितने भी सीमेंट वगैरह भी बनता है वो सब कुछ यहाँ पे मतलब होता है और जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह हो गया वो सब इसी रास्ते से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है उसमें से लाद के यहाँ से आगे की ओर दूसरा एक प्लांट है वहाँ पे लेके जाते हैं और पीछे अगर आपको जो प्लांट दिख रहा है वो नर्मदा कंपनी है तो ये भी एक छोटी सी जगह है जहाँ पे रात को हम बैठते और यहाँ से भी आपको समंदर का पीछे की ओर पूरा नज़ारा वगैरह देखने को मिल जाएगा तो अभी जाता हूँ फटाफट वहाँ से आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लोर वगैरह करके दिखाता हूँ सब कुछ। चलो हरू मामू हलो हलो खाली देश के भराई से दरियो नीचे जाने का थोड़ा आसान सा रास्ता मामू ने ढूंढ लिया है वो भी स्पेशली हमारे लिए बाकी तो वो लोग तो मतलब कहीं से भी चले जाते क्योंकि हर रोज यहाँ पे रहते हैं तो उनको चढ़ने वगैरह में या तो फिर चलने में दिक्कत वगैरह होती है ढलान वाला रास्ता होता है तो बाकी हम वगैरह फिसलेंगे तो पैर वगैरह खाली फोकट में तुड़वाएंगे तो इसीलिए हमने थोड़ा आसान सा रास्ता ढूंढ लिया है। पीछे की ओर का जो नज़ारा है शानदार वाला देखो एक बार यार ऐसा कुछ बेस्ट वाला व्यू है यहाँ से। तो भाई मैं बेसिकली रहता हूँ सूरत में और सूरत में एक समंदर किनारा है डुम्मस करके तो डुम्मस में बहुत कम जाता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि डुम्मस आप क्यों नहीं आते क्यों नहीं जाते वगैरह पर भाई देखो मेरे गांव में मैं बचपन में ऐसे जो जगह है यहाँ पे मैं खेल के बड़ा हुआ हूँ तो फिर डुम्मस तो यार पसंद नहीं आएगा ना। चलो कोई नहीं मैं रहने वाला सूरत वाला हूँ तो यार फिर कमेंट मत कर देना कि नेगेटिव बोल रहे सूरत के भाई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं वो तो अपना घर है भाई प्यारा वाला सूरत तो क्योंकि और जो समंदर वगैरह अभी खाली हो रहा है भर्ती ओट जैसे चलती है तो अभी ओट का टाइम है तो समंदर वगैरह खाली हो रहा है अभी शाम के फिलहाल बज गए 5:30। सिनेमेटिक शॉट आपने एंजॉय वगैरह कर लिए तो बस ऐसा कुछ प्यारा सा गांव वगैरह है हमारा मामा का तो हर साल जब दिवाली का वेकेशन वगैरह होता है यहाँ पर ज़रूर आते तो ये जो जगह है मेरे लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा है तो एक तो मेरा बचपन वगैरह यहाँ पे मैंने खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ और मेन चीज़ हमारे चैनल के लिए तो हमारे चैनल को कम्प्लीट 1 साल हुआ है 1 साल हो गया और 1 साल में आपने बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह दिया है तो जब मैंने पहली बार मेरा जब माइक वगैरह आया था और पहली बार जब मैंने व्लॉग किया था तो इसी जगह है इसी समंदर के किनारे मैंने व्लॉग किया था पहली बार जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था तो जब मैं कच्छ जाने वाला था उसके पहले ये व्लॉग मैंने बनाया था तो मेरे पास वो कुछ पुरानी फुटेज भी अगले साल की पड़ी है तो फुटेज मैं इस बार ज़रूर डालूँगा इसमें तो जब मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तब का कुछ कैसा कॉन्फिडेंस वगैरह कैसी स्पीच वगैरह थी और 1 साल में थोड़ा बहुत कितना इम्प्रूवमेंट वगैरह हुआ तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस वगैरह पता चलेगा तो इसके बाद मैं उसकी भी थोड़ी बहुत फुटेज वगैरह डाल दूंगा इस वीडियो में। हमारे पीछे जो एक नए राइजिंग स्टार खड़े हैं
श्री श्री राकेश। हाय गाइस, यहाँ पे ये हमारे कुछ दोस्त अपने अपने लिए नया है, पर ये लोग का हर रोज का काम है, तो चलो चलते आगे। ये ओए हरदेव जादव, तो कुछ आपको सुनाएंगे अपने शब्दों में दो। हम वो मछली पकड़ते हैं, हम वो बोलो बोलो ओ कचला का कारीगर है बहु देखो ये होते हैं, जब कोई भी शुद्ध गुज्जू होता है वो जब हिंदी बोलने का ट्राई करता है तो ऐसा बफर होगा ही करती है, तो इसके भी मुंह दिखाई करेंगे अपन आज। बताए नहीं रोहित, ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, 10 साल से इसने खाना नहीं खाया, यहाँ पे केकड़े पकड़ रहा है। ए, देखो ये पकड़ रखा है मैंने। हाँ, इसमें एक भी केकड़ा नहीं, वो बात अलग है। वो मैं नहीं दिखा सकता अभी किसी को, वो बात अलग है, उसमें एक भी केकड़ा नहीं है। तो ऐसे कुछ है, हमारे लिए स्पेशल है ये जगह, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। बस अभी मैं और मामू थोड़ा आगे वगैरह चलते हैं यहाँ से, पूरा दरिया अभी खाली हो रहा है ओट के कारण। तो ऐसे छोटे मोटे आपको गड्ढे मिल जाएंगे जिसमें पानी वगैरह होता है, तो इसमें भी थोड़े मोड़े आपको जीव जंतु वगैरह मिल जाएंगे। तो ये आ गए हमारे भैया जी, हमारे छोटे भाई आ गए, तो अभी काम पे से सीधे हेलमेट वगैरह लेके सीधा शॉर्टकट मार के यहाँ पे आ रहे। एक है हमारे मामू और दूसरे है हमारे रोहित भाई। तो जब भी मैं यहाँ पे गांव पे आता हूँ तो तीन जन जैसे हमेशा साथ में घूमते रहते हैं, हम तीन जन की जोड़ी है, जो भी कहीं पे भी जाना वगैरह हो, कहीं पे भी घूमना हो, तो बस साथ में घूमते रहते। तो बस अभी भाई भी आ गए तो थोड़ा बहुत घूमते और मज़े मारते हैं। यहाँ पे गांव पे आए हैं तो भी मज़े मारने आते हैं ना गाँव पे, तो बस एन्जॉयमेंट करते हैं, और क्या है यहाँ पे। फूल गुलाब फूल फूल से होता है, गुलाब से नहीं मोहब्बत एक से होती है। अब हजारों से नहीं, आ देख यार समुद्र में, समुद्र में समुद्र पुत्र कहते जालंधर थरम समुद्र पुत्र और कहते तो वो नहीं पो वो नहीं पता फिर आ मक्के की डॉल मारो पाना मार मारो बहनों नहीं मरियो विकास करो इन्हें समुद्र नहीं देखा पहले मेरी जान चली। ए यारा यारा तेरी दम ये वो पहले इच्छा दिल में जो आमा से पाना मालवाई जो हवे मरे कारण ने हाथ ना किने तो एक केकड़ा है वो पत्थर में फंस गया है कब से, तो भैया निकलने की कोशिश वगैरह कर रहे हैं। तो आ गए पीछे की ओर अरविंद भाई, जो कि हमारे बड़े मामा के सबसे बड़े बेटे हैं, तो सबसे हमारे बड़े भैया। तो जब मैं अरविंद भाई की शादी में आया था तब भी मैंने यहाँ पे छोटा सा कुछ वीडियोस वगैरह बनाया था, पर मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे से 3-4 भाई बड़े हैं, तो उन सभी में से अरविंद भाई सबसे बड़े हैं। तो अभी यहाँ पे जो कंपनी है उनका आई थिंक 5:30 का टाइमिंग है, तो जितने भी सारे गांव वाले जो कंपनी में काम वगैरह करते हैं अलग अलग जगह पर, अरविंद भाई बेसिकली ड्राइवर है, तो जितनी भी बड़ी वो गाड़ियाँ चल रही थी ना, तो ऐसी बड़ी गाड़ी चलाते हैं अरविंद भाई, तो अभी जस्ट उसकी ड्यूटी वगैरह ख़त्म हुई, तो अभी एक एक करके यहाँ पे सब मिलेंगे आपको। जैसे ही शाम को ख़त्म वगैरह होता है सीधा यहाँ पे आते, समंदर का पानी है वहाँ तक लास्ट तक जाएंगे, और अगर दिन अभी ढल जाएगा तो फिर शूट वगैरह नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तो यहाँ का भी कुछ नज़ारा वगैरह दिखा देते। बाकी पीछे की ओर यहाँ से जो भी सनसेट है वो आपको बहुत ही बेस्ट वाला देखने को मिलता है।
जहाँ तक भी ओट वगैरह होनी थी हो गई है, यहाँ तक बस पानी खाली होगा, इससे ज़्यादा पानी वगैरह खाली नहीं होगा फिर। तो ये जो भर्ती ओट का टाइम है वो थोड़ा बहुत चेंज वगैरह होता रहता है, एक दो महीने के बाद आओगे आप तो वो जो टाइम है वो शिफ्ट होकर सीधा आपका सुबह में हो जाएगा, ऐसा थोड़ा बहुत चेंज वगैरह होता रहता है। बाकी समंदर के किनारे तो आप घूमोगे ही, जो बीच वगैरह होता है उसका तो मज़ा होता ही, पर जो समंदर के बीच में घूमने का रहा जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। बचपन हमारा तो वैसे यहाँ पे ही बिताया है, बचपन से हर साल हम वेकेशन वगैरह में यहाँ पे गाँव आते हैं, और मेरा सबसे फेवरेट तो यही जगह है बाबरकोट में, यहाँ पे आके रुकता हूँ। मतलब समझ लो ना, यहाँ पे आने में इतना ज़्यादा मज़ा होता है कि वापस जाने का नाम ही नहीं लेते, मम्मी वगैरह खींच खींच के पकड़ पकड़ के ले जाती थी वापस, ऐसा कुछ है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, लोग भी ऐसे हैं यहाँ के इतने अच्छे, और मामा के गाँव तो यार किसी को कैसे पसंद नहीं आएगा, हर लोग मामा के गाँव जाते हैं। और अगर स्पेशली अगर आपका गाँव या फिर मामा का गाँव अगर ऐसी जगह होगी, ऐसा लोकेशन होगा, तो फिर तो बस क्या बात ही है। और पीछे की ओर जो आपको बीच था जो दिख रहा था मैंने जब हम आए थे, तो वहाँ पे हम सब सुबह में क्रिकेट वगैरह खेलते रहते थे।